हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 24 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैसिलिटेशन के बारे में। और जो फैसिलिटेशन होता है ये हमारा जो स्पीसिंग इंट्रैक्शन का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड हमारा यहाँ पे रहने वाला है। स्पीसीज इंट्रैक्शन के अंदर हमने बात की थी किस तरीके से जो एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, या फिर एक ही अगर हम यहाँ पे स्पीसीज की बात करें तो उसी के इंडिविजुअल किस तरीके से दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, यानी कि एक ही स्पीसीज है हमारी और वे आपस में उसके जो इंडिविजुअल है वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं वो हमारा किसके अंदर आता था, स्पीसीज इंट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमने कॉम्पिटिशन को ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया हुआ है, कॉम्पिटिशन के जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप होते हैं उसके जो हमारे यहाँ पे आउटकम हो सकते हैं और उसका जो हमारे यहाँ पे मॉडल भी होता था लुटका-वोल्टेरा मॉडल, वो भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे फैसिलिटेशन के बारे में, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं। एक हमारे यहाँ पे होता है कमर्शियलिज्म और एक हमारे यहाँ पे होता है म्यूचुअलिज्म। पहले हम यहाँ पे म्यूचुअलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे कमर्शियलिज्म के बारे में थोड़ी लेंगे। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंपटीशन की बात कर रहे थे तो कंपटीशन के अंदर हमने आपको क्या बताया था कि वहाँ पे जो हमारी इंट्रैक्शन होगी वो दोनों स्पीसीज के लिए कैसी होगी, नेगेटिव होती है। दोनों के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म के बारे में, तो इनके अंदर क्या होता है, पहले अगर हम यहाँ पे म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि दोनों ही जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है दोनों के ऊपर साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट हमें यहाँ पे उनके ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे हमारी कोई एक स्पीसीज है, एक हमारे यहाँ पे सेकेंड स्पीसीज है, और अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे म्यूचुअलिज्म अगर यहाँ पे शो कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव, दोनों को यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट उनके ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कमर्शियलिज्म के बारे में, तो कमर्शियलिज्म के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पीसीज को यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और दूसरे के ऊपर दूसरी जो स्पीसीज है वो यहाँ पे हमारी अनअफेक्टेड रहेगी, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे हमें कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारे यहाँ पे इंट्रैक्शन होगी वो हमारे यहाँ पे कौन सी होती है, कमर्शियलिज्म, जिसके बारे में भी आगे हम यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। उसके अलावा एक और हमने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है, एक हमारी होती थी यहाँ पे अवेंसिलिज्म, जिसके अंदर क्या होता था कि जो हमारी इंट्रैक्शन होती थी वो हमारी नेगेटिव और जीरो रहती थी। इसका मतलब क्या होता था कि एक स्पीसीज के ऊपर यहाँ पे हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है और दूसरी स्पीसीज के ऊपर यहाँ पे हमारा नेगेटिव इफेक्ट होता, दूसरी स्पीसीज हमारे यहाँ पे अनअफेक्टेड होती थी। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे कमेंसलिज्म है और जो हमारे यहाँ पे अमेंसलिज्म थी वो एक दूसरे के यहाँ पे क्या हो जाएंगी, बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्लस जीरो और यहाँ पे हमारा क्या होता है माइनस और जीरो, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट और अनअफेक्टेड, यहाँ पे हमारी पॉजिटिव इफेक्ट और अनअफेक्टेड, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, क्लियरली अपोजिट हो जाते हैं। सिमिलर अगर हम बात करें कंपटीशन और म्यूचुअलिज्म के बारे में, तो ये भी एक दूसरे के यहाँ पे क्या होती है, क्लियर एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों नेगेटिव थे और यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे किसके अंदर आता है, फैसिलिटेशन के अंदर, और इसी के अंदर हम यहाँ पे म्यूचुअलिज्म और कमर्शियलिज्म को यहाँ पे कवर करके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फैसिलिटेशन के बारे में, तो फैसिलिटेशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ स्पीसीज इंट्रेक्शन दैट आर बेनिफिशियल टू एटलीस्ट वन ऑफ द स्पीसीज इन्वॉल्व। देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे दो स्पीसीज इन्वॉल्व रहेगी। पहले अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे म्यूचुअलिज्म के अंदर, तो म्यूचुअलिज्म के अंदर हमारी इंट्रैक्शन कैसे होती थी, पॉजिटिव पॉजिटिव होती थी। ठीक है, दोनों के ऊपर यहाँ पे हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता था। और जो हमारे यहाँ पे कमर्शियलिज्म होती है उसके अंदर क्या होता था कि प्लस और अनअफेक्टेड न्यूट्रल यहाँ पे हमारी रहती थी। तो यानी कि जो दो हमारे यहाँ पे स्पीसीज एक दूसरे के साथ जो यहाँ पे फैसिलिटेशन को शो कर रही है, चाहे वो यहाँ पे कमर्शियलिज्म को शो कर रही हो या फिर वो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म को शो कर रही हो, किसी भी इंट्रैक्शन को अगर यहाँ पे वो शो कर रही है तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे दो स्पीसीज इन्वॉल्व है जिनके बीच में यहाँ पे हमारा फैसिलिटेशन चल रहा है, तो उसमें से उन दोनों स्पीसीज में से किसी एक को तो यहाँ पे बेनिफिट जरूर होने वाला है। क्लियर है, इट इज अ टाइप ऑफ स्पीसीज इंट्रैक्शन दैट आर बेनिफिशियल टू एटलीस्ट वन ऑफ द स्पीसीज इन्वॉल्व। जो दो स्पीसीज हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व है उनमें से एक स्पीसीज को तो यहाँ पे बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ फैसिलिटेशन, म्यूचुअलिज्म एंड कमर्शियलिज्म। इन म्यूचुअलिज्म बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल इन म्यूचुअलिस्टिक पोलिनेशन सिस्टम बोथ प्लांट एंड द पोलिनेटर बेनिफिट। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ पे जो हमारी जो म्यूचुअलिज्म होता है उसके अंदर हमारा क्या होगा कि दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, और इसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे क्या होता है, पोलिनेशन। पोलिनेशन के अंदर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक फ्लावर हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या हो जाता है, इंसेक्ट हो गया। ठीक है, तो इंसेक्ट क्या करता है, जब ये पोलिनेशन को यहाँ पे करवाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और इससे जो भी उसको फूड चाहिए होगा वो यहाँ पे इससे गेन कर लेगा। ठीक है, नेक्टर यहाँ से ले लेता है वो। अब यहाँ से वो नेक्टर लेने के बाद क्या करेगा कि जो इसके पोलन्स होंगे उनको दूसरे प्लांट के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। यानी कि एक बार वो यहाँ से फूड लेगा, नेक्टर यहाँ से उसने लिया,
अब वो दूसरे फ्लावर पे जब जाएगा नेक्टर के लिए, तो वो क्या कर देता है, इसके साथ साथ इनके पोलन्स को भी क्या कर देगा, यहाँ पे खुद तो वहां पे जाएगा ही, और इसके पोलन्स को भी क्या कर देता है, वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लावर को भी बेनिफिट हो गया, उसके लिए पोलिनेशन हो गई, और इंसेक्ट के लिए यहाँ पे फूड मिल गया, तो इसको भी यहाँ पे बेनिफिट हो गया। तो इस टाइप की हमारी इंट्रेक्शन किसके अंदर इंक्लूड होगी, म्यूचुअलिज्म के अंदर। ठीक है, देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म, जो हमारे यहाँ पे म्यूचुअलिज्म होता है उसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्पर्सिव हो गया, डिफेंसिव हो गया, और रिसोर्स बेस हो गया। द डिस्पर्सल ऑफ द प्लांट पोलन और सीड्स इज द डिस्पर्सल म्यूचुअल। देखो जो हम यहाँ पे डिस्पर्सिव की जो बात कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे क्या होता है, पोलिनेशन। डिस्पर्सिव का मतलब क्या हो गया कि एक हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज है, ठीक है, वो दूसरी स्पीसीज की किसी ना किसी जो उसकी रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं, या फिर जो उसकी डिस्पर्सल रहेगा ना उसके अंदर उसकी हेल्प करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि इंसेक्ट हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, पोलन्स को डिस्पर्स करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे डिस्पर्सिव आएगा ना वो हमारा किसके अंदर आता है, यानी कि अगर कहीं पे डिस्पर्सन अगर यहाँ पे इंक्लूड रह रहा है तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म के अंदर। द डिस्पर्सल ऑफ द प्लांट पोलन और सीड्स इज ए डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। अगर हम यहाँ पे सीड्स को भी अगर हम यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं दूसरी जगह पे, अगर हम यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएगा, डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म के अंदर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई हमारे यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, और उस प्लांट से अगर हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन ने क्या किया कि उसका यहाँ पे फूड लिया, ठीक है, फ्रूट ले लिया उन्होंने यहाँ पे, और फ्रूट को खा के उसके जो सीड्स है ना उसको वहाँ पे किसी दूसरे जगह पे फेंक दिया। तो वो भी एक तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसके सीड्स को यहाँ पे डिस्पर्स कर रहा है। ठीक है, उसको खुद को भी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, और जो प्लांट है उसके यहाँ पे जो सीड्स है वो दूसरे जगह पे जा रहे हैं। तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म के अंदर। ठीक है, सेकेंड टाइप हमारे यहाँ पे कौन सा होता था, डिफेंसिव। इन डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म वन स्पीसीज डिफेंड द अदर स्पीसीज इन रिटर्न फॉर ए रिवॉर्ड, सच एज एंट्स डिफेंडिंग सम प्लांट अगेंस्ट हर्बीवरी इन रिटर्न फ्रॉम फॉर ए नेक्टर रिवॉर्ड। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के लिए यहाँ पे पहले बेनिफिट हो रही थी। ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ पे क्या किया, इसके लिए यहाँ पे बेनिफिट कर दिया, कुछ ना कुछ इसको यहाँ पे फूड वगैरह दे दिया। अब ये जो दूसरी स्पीसीज है ना ये क्या करेगी, इसकी प्रोटेक्शन करेगी। ठीक है, कि आपने हमें यहाँ पे हमें फूड दिया है तो हम आपके यहाँ पे सेवा करेंगे, ठीक है, हम आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे किसी दूसरे से। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बताया है एंट्स के लिए, ठीक है, और एंट्स क्या करते हैं कि कुछ हमारे जो प्लांट्स होंगे ना उनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे किससे, इन रिटर्न फॉर ए नेक्टर रिवॉर्ड। जैसे कि यहाँ पे हमारे क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे प्लांट हो गए, प्लांट ने क्या किया, एंट्स को यहाँ पे फूड दिया, नेक्टर यहाँ पे दिया, और जैसे ही इसको यहाँ पे नेक्टर मिलेगा ये क्या करेगा कि ये अब जो बाकी के यहाँ पे कोई दूसरे हमारे अगर हर्बीवोरी होंगे तो उनसे इसकी प्रोटेक्शन करेगा, उनको बाइट करेगा। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्लांट होते हैं उनके ऊपर, पूरे के ऊपर प्लांट के ऊपर एंट्स रहती है, तो वो यहाँ पे क्या करेगी कि किसी दूसरे हर्बीवोरी को उसके ऊपर अटैक नहीं करने देगी। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई हमारा एक्स एनिमल आता है और ये जो प्लांट है इसके ऊपर पूरे के पूरे ऊपर एंट्स है, तो ये अगर यहाँ पे इसको खाने के लिए आएगा तो एंट्स क्या करेंगे, इनको बाइट करेंगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी डेथ भी हो सकती है या फिर इसको यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एंट्स होगी ना वो अब इस फूड के या फिर जो हमारे यहाँ पे नेक्टर था उसके रिटर्न के लिए क्या करेंगे, उसको जो रिटर्न गिफ्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है वो किस फॉर्म में कर रही है, उसकी प्रोटेक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे किस में आएगा, डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म, यानी कि वो उसका डिफेंस यहाँ पे कर रही है किसी ना किसी जब उसको यहाँ पे बेनिफिट हुआ था। क्लियर है। थर्ड हमारे यहाँ पे होता है रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, इट इन्वॉल्व्ड द टू स्पीसीज विच कैन सर्वाइव एंड ग्रो बेटर वेन टूगेदर देन वेन अलोन। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे दो स्पीसीज थी, एक हमारे यहाँ पे ये वाली हो गई, एक हमारी ये वाली हो गई, देखो ये अकेले अकेले भी यहाँ पे हमारी ग्रो कर सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिलकर काम करेंगे, रिसोर्स बेस, यानी कि क्या हो गया कि ये अपना जो यहाँ पे रिसोर्स होगा वो इसको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा, ये अपना रिसोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा, तो अगर ये दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो और भी बेटर इनकी यहाँ पे ग्रोथ होगी। अकेले अकेले चल रहे थे तो भी इनकी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ चल रही थी, लेकिन अगर ये आपस में मिलकर अगर यहाँ पे काम करेंगे, एक से भले दो अगर यहाँ पे हो जाएंगे, तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि और भी बेटर इनकी यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म। क्लियर है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप कौन सा होता था, कमेंसलिज्म। ये सब तो हमारे यहाँ पे किसके टाइप थे, जो हमारा डिस्पर्सिव, डिफेंसिव और जो हमारे यहाँ पे रिसोर्स बेस्ड था, ये तो हमारे यहाँ पे म्यूचुअलिज्म के टाइप हो गए थे। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इज द स्पीसीज इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर रिमेन अनअफेक्टेड। इसके अंदर क्या होता था कि एक स्पीसीज को हमारे यहाँ पे बेनिफिट होता था और दूसरी हमारे यहाँ पे अनअफेक्टेड रहती थी। फॉर एग्जाम्पल इन सम फॉर्म ऑफ सीड डिस्पर्सन बार्ब सीड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यू जर्मिनेशन साइट इन द फर ऑफ द मैमल्स, द सीड्स बेनिफिट बट द मैमल्स आर जनरली अनअफेक्टेड। ठीक है, तो इस केस में हमारे यहाँ पे क्या होगा कि एक को हमारे यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है और दूसरा हमारे यहाँ पे अनअफेक्टेड हो रहा है, जो मैमल्स है, ठीक है, उनको यहाँ पे कोई इसका बेनिफिट नहीं हो रहा, उनके जो फर यहाँ पे रहेंगे, उनका जो बॉडी पार्ट्स रहेंगे
उनके ऊपर पोलन लग जाते हैं और वो क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर सीड्स या फिर पोलन अगर यहाँ पे लग जाते हैं तो वो दूसरी जगह पर वहां पर ट्रांसमिट हो जाएंगे, तो प्लांट को तो यहाँ पे बेनिफिट हो गया, उसके लिए तो पोलिनेशन या फिर उसका डिस्पर्सल हो गया यहाँ पे सीड्स का, लेकिन जो मेमल्स थी उसको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो इस टाइप का जो हमारा यहाँ पे इंटरेक्शन होगा वो हमारा किसके अंदर आएगा, कमेंसलिज्म के अंदर। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे इनके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में यहाँ पे हम स्टडी करके चलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज दैट बेनिफिट बोथ स्पीसीज। इसके अंदर हमारे क्या होगा कि जो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे स्पीसीज होंगी जो कि हमारे यहाँ पे म्यूचुअलिज्म के अंदर इन्वॉल्व रहेंगी, दोनों को यहाँ पे हमारा क्या होगा पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, दोनों को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया था, मैनी डीप फिश हार्बर बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, द ऑर्गन प्रोवाइड सेफ हेवन फॉर द बैक्टीरिया व्हाइल द फिश टेक एडवांटेज ऑफ द एमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बैक्टीरिया टू कम्युनिकेट विद द अदर फिश। ठीक है, उसके अलावा इन डीप सी थर्मल वेंट कम्युनिटीज सल्फर ऑक्साइड ऑक्साइडेज बैक्टीरिया लिव विद इन द बॉडीज ऑफ वर्म एंड मोसल्स, द बैक्टीरिया डराइव एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फाइड रिच वाटर एंड आर एबल टू फॉर्म डेंस कॉलोनीज इन साइड द वर्म्स एंड मोसल्स, इन रिटर्न सिंपल शुगर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस आर यूज बाय द होस्ट। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे किसके अंदर आ जाएगा, म्यूचुअलिज्म के अंदर। अब डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म अकर इन द नेचर, जो हमारे यहाँ पे म्यूचुअलिज्म है इसके भी यहाँ पे हमारे जैसे कि हमने तीन टाइप तो बताए हैं, उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे दो टाइप और होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म और एक हमारे यहाँ पे होता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म यानी कि नाम से जैसे कि मैं आपको पता चल रहा है, ऑब्लिगेट यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो म्यूचुअलिज्म होगा ना वो यहाँ पे कंपल्सरी हो जाएगा बिल्कुल, व्हेन नेदर स्पीसीज कैन लिव विदाउट द अदर। यहाँ पे हमारे क्या है कि जो ये दोनों के दोनों स्पीसीज है अब वो एक दूसरे के ऊपर इतनी डिपेंड हो चुकी है कि वो एक दूसरे के बिना यहाँ पे नहीं रह सकती। ठीक है, अगर ये यहाँ पे सेपरेट होते हैं, अगर हम इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ पे दोनों की ही डेथ हो जाएगी। ठीक है, इतना यहाँ पे इनके बीच में इंट्रैक्शन इतना ज्यादा हो चुका है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ये इतने ज्यादा हो चुकी है कि ये एक दूसरे के बिना हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करें, लाइकन लाइकन आर इनसेपरेबल मिक्सचर ऑफ फंजाई एंड एलगी। ठीक है, सेकंड टाइप हमारे यहाँ पे क्या होता है, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो म्यूचुअलिज्म होगा, ठीक है, जो यहाँ पे इंटरेक्शन जो यहाँ पे डिपेंडेंस होगी एक दूसरे के ऊपर वो हमारे यहाँ पे फैकल्टेटिव होगी, यानी कि वो अगर साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहे थे तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दूसरे के बिना भी यहाँ पे काम कर लेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं भी है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं भी कर रहे तो भी इनकी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर मिलकर चलेंगे तो और भी अच्छी बात होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म के अंदर सीख लिया था। ठीक है, द इंटरेक्शन इज बेनिफिशियल बट नॉट एसेंशियल टू द सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल मेनी एंट स्पीसीज एग्जिस्ट इन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद द एफिड्स व्हिच प्रोवाइड देम न्यूट्रिशनल फ्लूइड कॉल्ड हनीड्यू, बट द एंट्स कैन एग्जिस्ट विदाउट दैट। जो यहाँ पे एफिड्स होते हैं वो यहाँ पे एंट्स को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशनल फ्लूइड कॉल्ड हनीड्यू, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो एंट्स है वो इसके बिना रह ही नहीं सकते, अगर उनको मिल जाएगा तो देखो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिल रहा तो भी कोई अच्छी कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी फिर भी वहां पे हमारी सर्वाइव कर रही है। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म के अंदर। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप हमने यहाँ पे बताए थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म होता है, डिफेंसिव, और जो हमारा रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म होता है, एक एक करके हम उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं, और जो उसके यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल हमारे रहते हैं उनको भी यहाँ पे हम कवर करके चलते हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म के अंदर, तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, इट इन्वॉल्व डिस्पर्सल ऑफ द पोलन एंड सीड्स। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारी एक यहाँ पे स्पीसीज होगी वो दूसरे के लिए किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट करेगी कि उसके जो सीड्स होंगे या फिर उसके जो पोलन होंगे उनको यहाँ पे डिस्पर्स कर देगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट स्पीसीज है वो सेकेंड की जो यहाँ पे हेल्प कर रही है वो किस तरीके से यहाँ पे हेल्प कर रही है, वो इसके सीड्स, ठीक है, या फिर उसके जो पोलन है उसके डिस्पर्सल के अंदर। क्लियर है, मैनी एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म इन्वॉल्व पोलिनेशन एंड द सीड डिस्पर्सल, म्यूचुअलिज्म आर बेनिफिशियल टू बोथ स्पीसीज, हाउएवर द स्पीसीज नीड्स आर क्विट डिफरेंट, ऑल्दो मैनी फ्लावर आर पोलिनेटेड बाय अ वाइड रे ऑफ एनिमल्स अदर आर ओनली पोलिनेटेड बाय स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ द पोलिनेटर। अब देखो कई बार हम यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये एक फ्लावर हो गया, ठीक है, तो इसके जो पोलन्स है कई बार तो हम यहाँ पे यूँ देखने को मिलता है कि इसके जो पोलन है ना वो डिफरेंट एनिमल उसको वहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्पर्स उसके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड फ्लावर है इसके जो यहाँ पे पोलन्स है या फिर जो इसके सीड्स है उसको यहाँ पे दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट एनिमल है, जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट हो गया, एक हमारा थर्ड हो गया, एक हमारा फोर्थ हो गया, ठीक
ये सारे के सारे जो यहाँ पे हमारे अलग अलग स्पीसीज है ना, ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसके जो सीड्स या फिर पोलन्स है उनको डिस्पर्स कर रहे हैं। और कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड फ्लावर था जैसे कि, तो इसके जो सीड या फिर जो इसके पोलन डिस्पर्सल होगा उसके लिए सिर्फ हमारे यहाँ पे एक ही स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो इसके यहाँ पे सीड या फिर पोलन यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएंगे, या फिर अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी तो इसके यहाँ पे जो सीड या फिर पोलन है वो यहाँ पे डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों टाइप केसेस यहाँ पे मैं देखने को मिलते हैं। इन टर्न व्हाइल सम पोलिनेटर विजिट ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्लावर, अदर विजिट ओनली फ्लावर ऑफ वन पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज। सिमिलर केस हमारे यहाँ पे इसीलिए होगा जो हमारे यहाँ पे पोलिनेटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे कुछ पोलिनेटर ऐसे होंगे जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस पोलिनेटर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा पोलिनेटर क्या कर रहा था, ये हमारे अलग अलग फ्लावर के ऊपर हमारे यहाँ पे जा रहा था। ठीक है, डिफरेंट हमारे यहाँ पे फ्लावर, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई एक और फ्लावर हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ पे ए फ्लावर हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी फ्लावर हो गया, तो जो हमारे यहाँ पे फोर्थ जो हमारे यहाँ पे पोलिनेटर है वो हमारा इस फ्लावर पे भी जा रहा था, इस फ्लावर पे भी जा रहा है और बी फ्लावर पे भी जा रहा है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है कि डिफरेंट हमारे यहाँ पे जो फ्लावर्स है उनके जो यहाँ पे पोलन या फिर जो उसके सीड्स है उनको डिस्पर्स करने के अंदर उनकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, या फिर कुछ हमारे ऐसे केसेस भी रहेंगे जैसे कि हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे जो सेकंड हमारे यहाँ पे फ्लावर होगा ना सिर्फ इसी के ऊपर हमारे यहाँ पे विजिट करता है, किसी और के ऊपर विजिट नहीं करता। तो ये भी केस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि हमारे यहाँ पे जो एक पोलिनेटर है वो सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पे प्लांट के ऊपर यहाँ पे जाएगा, बाकी किसी दूसरे प्लांट या फिर किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर वो विजिट नहीं करता। ठीक है, दिस स्पेशलाइजेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम कोइवोल्यूशन आर नोन एज द पोलिनेशन सिंड्रोम। और ये जो हमारे यहाँ पे इस टाइप के जो हमारे यहाँ पे इंट्रेक्शन है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमारा जो एक फ्लावर है कई बार उसके लिए क्या होगा कि एक ही पोलिनेटर होगा। ठीक है, और सिमिलर हमारे यहाँ पे क्या है कि एक पोलिनेटर जो हमारा होता है उसके लिए कई बार हमारे यहाँ पे एक ही फ्लावर हमारे यहाँ पे होगा। तो अगर हमारे यहाँ पे कोई इस टाइप का केस है जैसे कि हमारे यहाँ पे जो एक हमारे यहाँ पे पोलिनेटर है वो सिर्फ एक ही फ्लावर के ऊपर यहाँ पे विजिट कर रहा है, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी ना जिसकी वजह से यहाँ पे कोई दूसरा हमारे यहाँ पे पोलिनेटर इसके ऊपर नहीं आ रहा। कुछ तो ऐसा यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन जरूर होगा, जैसे कि कई बार यहाँ पे मैं क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे हमारा फ्लावर है उसकी जो यहाँ पे पेटल्स या फिर जो उसकी फ्लावर की जो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट होते हैं ना उसकी जो अरेंजमेंट रहेगी, ठीक है, या फिर जो उसके पोलन जो होते हैं उसके लिए क्या होता है कि स्पेशलाइज यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो यहाँ पे हमारी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो हमारी इस फ्लावर के अंदर होगी, ठीक है, उसका बेनिफिट उठाने के लिए यहाँ पे जो हमारा पोलिनेटर होगा उसके पास भी कुछ यहाँ पे स्पेशलाइज जैसे कैरेक्टरिस्टिक जरूर होगी ना, जो कि इसके जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि सेकंड फ्लावर के अंदर है उसका बेनिफिट इसको मिल पाए। ठीक है, अगर इसके पास यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो इसके पोलन्स है उसके लिए एक्सेस सिर्फ इसी को यहाँ पे मिलेगा, तो यानी कि इसको भी यहाँ पे बेनिफिट है, इसको यहाँ पे बेनिफिट है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के अंदर यहाँ पे हमें करेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है जैसे कि यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा एक ये हो गया, एक हमारी ये वाला, यहाँ पे फर्स्ट हमारे यहाँ पे पोलिनेटर है, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या हो गया फ्लावर हो गया। अब इसने यहाँ पे क्या किया, वैसे पहले क्या हो रहा था कि इसके ऊपर विजिट करने के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग और भी हमारे यहाँ पे पोलिनेटर थे, लेकिन इसने क्या किया कि अपने अंदर यहाँ पे कुछ करेक्टर ऐसे डेवलप कर लिए जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे ये वाले जो पोलिनेटर थे अब ये इसके ऊपर यहाँ पे विजिट नहीं कर पा रहे। ठीक है, या फिर वो जो इसके पोलन थे उसके लिए इनके पास यहाँ पे एक्सेस नहीं रहा। ठीक है, तो ये तो मैं यहाँ पे हमारे एंट्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला जो था ना हमारे यहाँ पे पोलिनेटर ये सिर्फ इसी के ऊपर यहाँ पे विजिट कर रहा था, ये तो किसी और के ऊपर भी विजिट कर रहे थे। ठीक है, कोई हमारे यहाँ पे बी प्लांट हो गया उसके ऊपर भी विजिट कर रहे थे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला है ना ये सिर्फ इसी के ऊपर यहाँ पे विजिट करता था, इसका तो यहाँ पे फूड है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेक्टर डेवलप करने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये इसके ऊपर यहाँ पे रीच कर पाए, जो इसके यहाँ पे पोलन है उसके वहां पे एक्सेस उसका ले पाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे जो प्लांट होगा उसने यहाँ पे अगर कोई कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप किया है तो इस पोलिनेटर को यहाँ पे कैरेक्टर डेवलप करने पड़ेंगे, और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है कोइवोल्यूशन। ठीक है, और जो हमारा स्पेसिफिक यहाँ पे केस रहेगा पोलिनेशन के रिगार्डिंग तो उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं पोलिनेशन सिंड्रोम। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हैं दोनों के ही, ठीक है, दो हमारी स्पीसीज है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और अगर यहाँ पे एक स्पीसीज के अगर यहाँ पे कैरेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है तो दूसरा भी यहाँ पे डेवलपमेंट अगर कर रहा है तो उस टाइप की इवोल्यूशन को यहाँ पे हम क्या कहते हैं कोइवोल्यूशन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पोलिनेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे किसके अंदर आएगा पोलिनेशन सिंड्रोम के अंदर। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर पोलिनेटेड बाय हमिंग बर्ड हैव ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट द बर्ड बट लिटिल ऑर्डर बिकॉज बर्ड हैव ए पुअर सेंस ऑफ स्मेल, दे हैव टू प्रोड्यूस कॉपियस नेक्टर बिकॉज हमिंग बर्ड हैव ए हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे फ्लावर हमिंग बर्ड से यहाँ पे हमारे पोलिनेशन होंगे, यानी कि जो हमारे प्लांट ऐसे हैं जिनकी जो पोलिनेशन है वो हमिंग बर्ड के थ्रू होगी, तो उनके अंदर क्या होता है कि वहां पे ब्राइट कलर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये जो ब्राइट कलर होगा ना ये किसके लिए होता है, ये
हमिंग बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर बहुत ही कम होगा, यहाँ पे स्मेल वगैरह या फिर जो यहाँ पे जो फ्रेग्रेंस रहेगी वो यहाँ पे बहुत ही कम रहेगी। वो क्यों रहेगी? क्योंकि जो यहाँ पे हमिंग बर्ड है उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो यहाँ पे बहुत ही पूर है। यानी कि दोनों करेक्टर किसके लिए होंगे? हमिंग बर्ड के लिए होंगे। दे हैव टू प्रोड्यूस कॉपीज नेक्टर बिकॉज हमिंग बर्ड हैव ए हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो हमिंग बर्ड भी है ना उसको यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो फ्लावर क्या कर रहा है कि हम अपने नेक्टर के थ्रू आपको यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक जो हमारा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको यहाँ पे रिझाने के लिए या फिर इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए, या जहाँ पे जो हमारा फ्लावर है ना वो अपने अंदर यहाँ पे डिफरेंट करेक्टर यहाँ पे डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा? पोलिनेशन सिंड्रोम। यानी कि पोलिनेशन के लिए यहाँ पे ये अपने जब करेक्टर के अंदर कोई चेंजेस करेंगे, जो हमारा यहाँ पे प्लांट है या फिर जो हमारा यहाँ पे फ्लावर है वो अपने पोलिनेशन करवाने के लिए, जो अपना पोलिनेटर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे जो डिफरेंट यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डेवलप करेंगे, तो वो सब हमारे यहाँ पे किसके अंदर आते हैं? पोलिनेशन सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। ठीक है, सॉरी एक बार यहाँ पे हम जो सीड डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म है उसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट हाइपोथेसिस होते हैं। पहले हम यहाँ पे एक बार उनको और कवर कर लेते हैं। डिफरेंट हाइपोथेसिस आर फाउंड टू एक्सप्लेन व्हाई सीड डिस्पर्सल इज सो एडवांटेज टू प्लांट। ठीक है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे आता है कंपटीशन अवॉइडेंस हाइपोथेसिस। इट सजेस्ट दैट कंपटीशन विद द पेरेंट प्लांट इज अवॉइडेड, बट ऑन द अदर हैंड देयर इज नो गारंटी दैट द सीड्स विल फॉल इनटू द ऑप्टिमल हैबिटेट। जिसके लिए इसी वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमारे जो डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म है वो यहाँ पे शो करेंगे उसको अट्रैक्ट करने के लिए। जो हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कि जो हमारे यहाँ पे प्लांट है वो यहाँ पे क्या करेगा कि जो अपना पोलिनेटर होगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने अंदर कुछ करेक्टर यहाँ पे डेवलप करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्टर को डेवलप करेगा। जैसे हमिंग बर्ड वाला केस था, वहाँ पे वो क्या कर रहा था कि वो नेक्टर को यहाँ पे और भी ज्यादा अमाउंट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, ये हमारा किसके लिए होता है? ताकि जो यहाँ पे कंपटीशन है उसको यहाँ पे अवॉइड कर सके, और इसीलिए यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? कंपटीशन अवॉइडेंस हाइपोथेसिस। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है प्रीडेटर एस्केप हाइपोथेसिस। इट सजेस्ट दैट सीड प्रीडेटर कॉन्ग्रीट अंडर द पेरेंट्स ट्री टू फीड ऑन द बोनजाना ऑफ द फॉलन सीड्स सो वेल डिस्पर्स सीड सफर लेस प्रेडेशन। देन उसके बाद थर्ड हमारे यहाँ पे आता है कॉलोनाइजेशन हाइपोथेसिस सजेस्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या है? ये हमारे यहाँ पे सजेस्ट नहीं आएगा, हाइपोथेसिस होगा ये। ठीक है, इट सजेस्ट दैट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर सीड डिस्पर्सल मीन दैट पेरेंटल लोकेशन इज नॉट ऑलवेज ए गुड प्रेडिक्टर ऑफ द सीड सक्सेस। और लास्ट हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या होता है? डायरेक्ट डिस्पर्सल हाइपोथेसिस। इट सजेस्ट सम डिस्पर्सल डिस्ट्रीब्यूट सीड्स इन टू द ऑप्टिमल साइज। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सीड डिस्पर्सल म्यूचुअलिज्म था उसके लिए हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस है वो हमारे यहाँ पे रहते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप होता है डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा? इट इन्वॉल्व वन स्पीसीज डिफेंडिंग अनदर इन रिटर्न फॉर ए रिवॉर्ड। यहाँ पे एक हमारी स्पीसीज है, सेकंड हमारे यहाँ पे स्पीसीज है, इसने इसको यहाँ पे फूड प्रोवाइड कर दिया। अब इसको क्या हुआ कि चलो आपने हमें यहाँ पे फूड दे दिया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म अकर बिटवीन द एंट्स एंड द एफिड्स। एफिड्स आर फेयरली डिफेंसलेस क्रिएचर एंड इजी प्रे फॉर द मोस्ट प्रेडेटर। अब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे एफिड्स है, ठीक है, इनके पास जो डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पे बहुत ही वीक है, तो प्रेडेटर क्या करते हैं? इनके ऊपर यहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, लेकिन उनके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हमारे क्या आएंगे? एंट्स आएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है? एफिड्स फीड ऑन द प्लांट सैप एंड हैव टू प्रोसेस ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ दिस डाइल्यूट फूड मीडियम टू गेट देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। द एफिड्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट 100% एफिशिएंट एंड सम ऑफ द शुगर रिमेन इन द एक्सट्रैक्टेड एक्सक्रीटेड फ्लूइड्स व्हिच इज कॉल्ड एज द हनीडू। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एफिड्स है वो जो भी यहाँ पे फूड को यहाँ पे ले रहे थे, ठीक है, अब उनका जो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे यहाँ पे 100% एफिशिएंट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो शुगर होंगे ना वो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जो उसके एक्सक्रीटेड फ्लूड होगा उसके अंदर हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएंगी, और उसी को यहाँ पे हम क्या करते हैं? हनीड्यू। अभी इस हनीड्यू को यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे एंट्स है वो इनको यहाँ पे फूड के फॉर्म में यहाँ पे गेन करेंगे। अब एंट्स को यहाँ पे क्या हुआ? उसको यहाँ पे फूड मिल गया, और अगर इसको यहाँ पे फूड मिलेगा अब ये क्या करेंगे कि हम आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे, आप यहाँ पे वीक हो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम है यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन के लिए। एंट्स ड्रिंक द हनीड्यू एंड इन रिटर्न, अब यहाँ पे वो क्या करेंगे इसके रिटर्न में? प्रोटेक्ट द एफिड्स फ्रॉम एन एरे ऑफ प्रीडेटर बाय ड्राइविंग द एफिड्स प्रीडेटर अवे। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करते थे? इसके यहाँ पे प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा? डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म के अंदर। उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे डिफरेंट एग्जाम्पल और होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एंट्स और अकेशिया के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है? जैसे कि अगर हम पहले अकेशिया की अगर हम बात करते हैं, तो अकेशिया यहाँ पे क्या करेगा? जो यहाँ पे एंट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे फूड को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोवाइड फूड,
अब इसने यहाँ पे अगर इसको फूड दिया तो यहाँ पे एंट्स हमारे क्या करेंगे, एंट्स कैसे है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगी, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम, ये किसको क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोटेक्शन फ्रॉम किससे यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे, इंसेक्ट्स एंड अदर, इंसेक्ट्स एंड अदर हर्बिवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये हमारे यहाँ पे जो एफिड्स का एग्जांपल यहाँ पे हमने बताया था, एफिड सॉरी, ये हमारे यहाँ पे जो रेड कलर ये वाले है ना, ऑरेंज वाले, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे एफिड्स हो गए, ये हमारे यहाँ पे एंट्स हो गए, ठीक है। तो ये इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्शन यहाँ पे करते हैं किसी दूसरे यहाँ पे प्रेडेटर से। और अगर हम अभी बात करते हैं अकेशिया और एंट्स के लिए, तो इसके अंदर भी यहाँ पे हमारा सेम केस रहेगा, जो अकेशिया होगा, जो यहाँ पे प्लांट होगा, वो यहाँ पे क्या करता है, एंट्स को यहाँ पे फूड प्रोवाइड करेगा, और एंट्स यहाँ पे क्या करती है, उसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे किसी दूसरे हर्बिवर से, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे भी यहाँ पे बात की थी। अब एक या ना यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कई बार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे एकेसिया है ना, वो यहाँ पे क्या करती है, एंट्स को यहाँ पे फूड तो प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे हमारे जो फूड प्रोवाइड करती है ना, वो ये टू फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, दो अलग अलग यहाँ पे फॉर्म में यहाँ पे फूड को प्रोवाइड करते हैं एंट्स के लिए। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है बेल्टियन बॉडीज, ठीक है, और सेकेंड हमारे यहाँ पे होता है जो हमारे एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज होगी, एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज, ठीक है। तो ये दो फॉर्म में यहाँ पे क्या करेगा, एंट्स को यहाँ पे फूड प्रोवाइड करेगा, और एंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, इसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, एंट्स और एकेसिया का। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है फंगस और ग्रासेस का। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहले अगर हम अभी बात करें फंगस के लिए, देखो ग्रासेस ने तो क्या करना है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे फूड प्रोवाइड करेंगी, प्रोवाइड फूड, ठीक है, ग्रासेस तो यही काम करेंगे, लेकिन जो फंजाई होंगी ना, अब ये क्या करेंगे कि इनको यहाँ पे फूड मिल गया, अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे फंजाई होगी, प्रोड्यूस सम केमिकल, यहाँ पे कुछ केमिकल यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, सम केमिकल टू प्रोटेक्ट ग्रास, ठीक है, फ्रॉम हर्बीवर्स, जो यहाँ पे दूसरे हर्बीवर्स होंगे उनसे इसकी यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म के अंदर, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक को यहाँ पे फूड मिल रहा है और दूसरे को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड टाइप हमारे यहाँ पे आएगा रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, दिस टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म इन्वॉल्व स्पीसीज दैट कैन बेटर ऑब्टेन रिसोर्स टुगेदर देन अलोन। यहाँ पे हमारा क्या था कि हमारे यहाँ पे जो एक स्पीसीज थी, सेकंड हमारे यहाँ पे है, ये अकेले भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होती थी, लेकिन अगर ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहेंगे, अगर ये यहाँ पे रिसोर्सेज जो इनके हैं, जैसे कि इसके पास कुछ रिसोर्सेज है, इसके पास भी कुछ यहाँ पे रिसोर्सेज है, अगर ये इनके यहाँ पे शेयरिंग करके चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनको और भी ज्यादा यहाँ पे हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट बोथ पार्टनर कैन इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि इसने यहाँ पे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के यहाँ पे रूममेट है। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे खाना बना रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहा है, तो दोनों की यहाँ पे हेल्प हो गई, ठीक है, इसने भी कुछ यहाँ पे, फर्स्ट वाले ने भी कुछ हेल्प की और सेकंड वाले ने भी यहाँ पे हेल्प की। तो ये हमारा किसके अंदर होता है, रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे दोनों के दोनों पार्टनर होंगे, वो एक दूसरे के यहाँ पे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, या फिर जो एसेंशियल यहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, या फिर उसकी जो यहाँ पे लाइफ होगी ना, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, और भी ज्यादा ईज कर देंगे, उसको और भी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अबाउट 90% ऑफ द सीड प्लांट हैव म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन विद द फंजाई दैट लिव ऑन और इन द रूट टिश्यू विच इज कॉल्ड एज द माइकोराइजा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारा माइकोराइजा, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारी एक एसोसिएशन होगी किसके अंदर, सीड प्लांट और फंगस के, ठीक है, दोनों हमारे यहाँ पे क्या होता है, दोनों के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल, यहाँ पे बेनिफिशियल यहाँ पे हमारे इंटरेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, माइकोराइजा। द फंजाई रिक्वायर्ड सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम देयर होस्ट एज ए कार्बन सोर्स एंड सप्लाई मिनरल रिसोर्सेज एंड वाटर विच दे कैन एक्सट्रैक्ट मोर एफिशिएंटली फ्रॉम द सोइल देन द होस्ट। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि जो फंजाई, जो माइकोराइजा हम यहाँ पे केस की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे फंजाई होगी, ठीक है, फंजाई यहाँ पे क्या करेंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो फंजाई है, ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या चाहिए, इसको यहाँ पे सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो यहाँ पे जो ये रूट है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो फंजाई है वो क्या करेगी, वो इससे यहाँ पे जो शुगर होगा उसको यहाँ पे ऑब्टेन कर लेगी, ठीक है, जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है उसको यहाँ पे गेन कर लेगी। अब इसको तो यहाँ पे बेनिफिट हो गया, और इन रिटर्न यहाँ पे क्या करते हैं,
जो यहाँ पे जो फंगस थी, ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या करती है, ये हमारी मोर एफिशिएंट होगी किसके लिए, टू एक्सट्रैक्ट द वाटर और मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द सॉइल। ये यहाँ पे क्या करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारी सॉइल होगी उससे यहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट उनको यहाँ पे हमारे गेन कर लेते हैं मोर एफिशिएंटली एज कम्पेयर टू रूट। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, इनको जो वाटर होगा और जो यहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा रूट को। ठीक है, इसने इसको क्या कह दिया, यहाँ पे इसको शुगर प्रोवाइड की और ये न्यूट्रिएंट इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पे वाटर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। देखो जो रूट होती है ना वो खुद भी यहाँ पे वाटर को गेन कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट को यहाँ पे गेन कर सकते हैं सोइल से, लेकिन जो यहाँ पे हमारे फंजाई होगी ना वो यहाँ पे क्या होती है, मोर एफिशिएंट होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर फिर भी यहाँ पे अगर मोर एफिशिएंट है तो भी इसको यहाँ पे नीड तो क्या है, जो यहाँ पे हमारे रूट है वो अपने लिए तो यहाँ पे वाटर और यहाँ पे न्यूट्रिएंट को यहाँ पे गेन कर ही सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कुछ हमारी एडवर्स कंडीशन अगर यहाँ पे हमारी होती है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सॉइल है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट और जो यहाँ पे वाटर है उसकी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो उस केस में हमारे यहाँ पे जो फंगस होगी ना वो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे वाटर या फिर न्यूट्रिएंट को यहाँ पे गेन कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे हमारे मोर एफिशिएंट है, और इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे ज्यादा वाटर या फिर न्यूट्रिएंट को यहाँ पे गेन करके रूट को यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, और इन रिटर्न हमारे यहाँ पे रूट क्या करेंगे, जो हमारे फंगस होगी उसको यहाँ पे शुगर या फिर हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेगी। तो इस टाइप के हमारे यहाँ पे जो रिसोर्स यहाँ पे जो शेयरिंग चल रही है वो हमारे किसके अंदर आएगा, रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म के अंदर। क्लियर है, इन ट्रॉपिकल सिस्टम द सॉइल इज न्यूट्रिएंट पुअर, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी ना कि यहाँ पे हमारी जब एडवर्स कंडीशन होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारी न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशन जब यहाँ पे होती है ट्रॉपिकल सिस्टम के अंदर, न्यूट्रिएंट आर वॉश्ड अवे बाय द हैवी रेन्स एंड द न्यूट्रिएंट्स आर लॉक्ड अप इन लिविंग और रिसेंटली डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, माइकोराइजा एफिशिएंट एट रैपिडली एक्सट्रैक्टिंग रिमेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डिकेइंग मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो फंगस वगैरह वो यहाँ पे क्या कर देती है, उसको और भी ज्यादा मोर एफिशिएंटली यहाँ पे गेन कर लेंगे फ्रॉम द जो हमारे यहाँ पे डेड या फिर डेकिंग मटेरियल होंगे। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आता है, रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे हमारे डिफरेंट एग्जाम्पल और होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अदर एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म, और आपको ना ये एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान में रखने हैं क्योंकि कई बार हमारे इनके ऊपर भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके जो डिफरेंट हमारे यहाँ पे और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले लीफ कटिंग एंट्स ऑफ ट्राइब एटिनी एंड फंगस, यहाँ पे जो एंट्स है और जो यहाँ पे फंगस है इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या चलेगा, रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो एंट्स होगी ना, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करती है, एंट्स च्यू द लीव्स, वो क्या करेंगी, लीव्स को यहाँ पे डायरेक्टली वो गेन नहीं करेंगी, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पे क्या करती है, उसको यहाँ पे च्यू करेंगी और च्यू करने के बाद उसको चबाने के बाद वो यहाँ पे क्या करती है, एंड प्रोड्यूस पल्प। इस लीव से वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पल्प को यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब इस पल्प से यहाँ पे क्या होगा, इस पल्प को वो वहां पे स्टोर करते हैं, स्टोर अंडरग्राउंड, जो यहाँ पे एंट्स है ना उसको उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इस पल्प को उन्होंने यहाँ पे स्टोर किया अंडरग्राउंड, ठीक है, एज ए सबस्ट्रेट, एज ए सबस्ट्रेट, ठीक है, ऑन विच फंगस ग्रो, ऑन विच फंगस ग्रो, और इसके ऊपर क्या होगा कि जो इन्होंने यहाँ पे देखो एंट्स जो थी उन्होंने यहाँ पे क्या किया, लीव्स को यहाँ पे चू किया, चू करने के बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उसको पल्प के यहाँ पे फॉर्मेशन की, पल्प से ऊपर अब यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे फंगस है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे सेकंड पार्टनर है वो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पल्प के ऊपर यहाँ पे ग्रो करेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे क्या हुआ, बेनिफिट मिल गया ना, ठीक है, इसको यहाँ पे फूड मिल गया फंगस को। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्होंने यहाँ पे सब्सट्रेट या फिर जो यहाँ पे पल्प इसके लिए प्रोवाइड किया है, इससे यहाँ पे क्या बेनिफिट होने वाला है, हेल्प द फंगस बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इसको यहाँ पे रहने के लिए जगह भी दे दी, सब्सट्रेट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया पल्प की फॉर्म में, ठीक है, एंड इन देयर रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट देम, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्रॉम कंपटीशन। ठीक है, इनको यहाँ पे कंपटीशन के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व होने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी फंगस होगी उसको डायरेक्टली यहाँ पे फूड मिल रहा है बड़ा बनाया, ठीक है, तो वो क्यों दूसरे ऊपर किसी दूसरे के साथ यहाँ पे कम्पीट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एंट्स ने क्या किया कि यहाँ पे पल्प की फॉर्म में फंगस की यहाँ पे हेल्प की, ठीक है, उसको यहाँ पे शेल्टर दिया, उसको यहाँ पे फूड दिया, उसके रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और इन रिटर्न हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे फंगस होगी अब, ठीक है, फंगस यहाँ पे क्या करती है, फंगस प्रोड्यूस
ठीक है, अब यहाँ पे फंगस की बारी आई है, तो फंगस यहाँ पे क्या करती है, फंगस प्रोड्यूस ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गोंगलाइट्स, गोंगलाइट्स ठीक है, गोंगलाइट्स। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि जो यहाँ पे गोंगलाइट, यहाँ पे गोंगलीडिया होगा सॉरी, ठीक है, जो ये गोंगलीडिया होता है ना, ठीक है, जो यहाँ पे एंट्स होगी वो इस गोंगलीडिया को यहाँ पे क्या करती है, ऑब्टेन करती है एज ए फूड फॉर्म, ठीक है। विच, ये जो हमारे यहाँ पे गोंगलीडिया होगा ना, ये यहाँ पे क्या होगा, विच सर्व एज ए फूड फॉर एंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो गोंगलीडिया होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, एंट्स के लिए यहाँ पे फूड होगा, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या किया, एंट्स ने यहाँ पे इसको फूड प्रोवाइड किया, और जो यहाँ पे फंगस होगी उसने यहाँ पे क्या किया, एंट्स को यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म के अंदर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा और एग्जाम्पल क्या होगा, जो यहाँ पे कोरल रीफ्स और जो यहाँ पे हमारे डायनोफ्लैजेट्स होंगे, इसके अंदर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे हमारा कोरल होगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करता है, पहले अगर हम अभी बात करते हैं कोरल्स के लिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करता है, प्रोवाइड सीओ टू, प्रोवाइड सीओ टू, ठीक है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट, एंड वेस्ट प्रोडक्ट फॉर डाइनोफ्लैजेलेट्स, जो यहाँ पे डाइनोफ्लैजेलेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे क्या करेगा, सीओ टू और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे यहाँ पे डाइनोफ्लैजेलेट्स जिनको यहाँ पे यूज कर सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इन रिटर्न जो हमारे यहाँ पे डाइनोफ्लैजेलेट्स होंगे, अब वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे कोरल्स होंगे उनके लिए यहाँ पे हेल्प करेंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो ये यहाँ पे इसकी किस तरीके से हेल्प करेंगे, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। देखो जो यहाँ पे डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं ना, ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन यहाँ पे बनाएंगे, और इस न्यूट्रिशन को वो क्या करते हैं, कोरल्स को भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, हमने यहाँ पे खाना बना दिया, हम यहाँ पे आपको भी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, शेयरिंग से ही काम चलेगा। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कोरल्स को, ठीक है। टू कोरल्स यहाँ पे इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड किया किसको, कोरल्स को, टू कोरल्स, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड, एंड ऑल्सो नेट एंड ऑल्सो कलरेशन, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, कलरेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो डायनोफ्लैजेलेट्स है ना, वो यहाँ पे कोरल्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन तो यहाँ पे प्रोवाइड कर ही रहे थे, साथ में क्या करते हैं कि जो कोरल्स के ऊपर हमें स्पेसिफिक कलर यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है, वो भी कौन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, डायनोफ्लैजेलेट्स ही यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे प्रॉपर कलरिंग जो यहाँ पे रहेगी, ठीक है, कहीं भी यहाँ पे हमें जो ग्रीन या फिर जो यहाँ पे ब्लू कलरिंग जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ पे कलरेशन इसकी होती है, वो भी यहाँ पे हमारे कौन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे यहाँ पे डायनोफ्लैजेलेट्स होंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए ना हमारे यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि कई बार कई केसेस के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि एडवर्स जब यहाँ पे कंडीशन होगी, तो उस केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे कोरल्स है और जो यहाँ पे डायनोफ्लैजेट्स है, वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एडवर्स कंडीशन के अंदर, ये एक दूसरे से सेपरेट हुए। जब यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो जो यहाँ पे कोरल्स की जो हम यहाँ पे स्पेसिफिक कलरेशन की जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अब ये तो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो यानी कि कलरेशन यहाँ पे नहीं होगी, कलरेशन नहीं होगी तो यानी कि इसके ऊपर स्पेसिफिक कलर नहीं आएगा। और इस टाइप की जो हमारी कंडीशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे जो कोरल्स है उसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक कलर था वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाता है, और ये हमारा किस कलर का हो, लाइट कलर का हमारे यहाँ पे हो जाता है, तो उस केस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। जो इसकी यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन थी वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाती है, ठीक है, एडवर्स कंडीशन के अंदर, क्योंकि डायनोफ्लैजेट्स यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, तो उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे लाइकन को स्टडी किया हुआ है, लाइकन हमारे यहाँ पे क्या होता है, एल्गी का और जो हमारे यहाँ पे फंजाई है उसका हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, जिसके अंदर एल्गी यहाँ पे क्या करेगी, प्रोवाइड द फोटोसिंथेटिक, ठीक है, जो यहाँ पे फूड होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगी फंजाई को, और फंजाई यहाँ पे इन रिटर्न क्या करेगी, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ए सेफ हैबिटेट फॉर द एल्गी। तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, जो हमारे यहाँ पे रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म होगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है जो हमारे यहाँ पे सेकेंड टाइप का, जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटेशन जो इंटरेक्शन होती थी कमर्शियलिज्म, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी उसके अंदर क्या होगा कि एक को हमारे यहाँ पे बेनिफिट होगा और दूसरा हमारे यहाँ पे अनअफेक्टेड होगा। इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन द वन पार्टनर रिसीव ए बेनिफिट व्हाइल द अदर इज अनअफेक्टेड। इसके अंदर क्या होगा कि एक को यहाँ पे बेनिफिट होगा और दूसरा हमारे यहाँ पे अनअफेक्टेड रहने वाला है। हियर वन मेंबर ड्राइव द बेनिफिट व्हाइल द अदर नेदर बेनिफिट नॉर इज हार्म। एक को यहाँ पे बेनिफिट होगा और दूसरों को यहाँ पे ना तो नुकसान होगा और ना ही उसको यहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा अनफेक्टेड रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा।
द पॉसिबल बेनिफिट ऑफ द कमर्शियलिज्म इंक्लूड इंक्रीज एक्सेस टू फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज और इंक्रीज डिस्पर्सल एबिलिटी। अब जो यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है ना इसको, वो बेनिफिट हमारा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि वो यहाँ पे फूड भी प्रोवाइड कर सकता है, प्रोटेक्शन भी यहाँ पे कर सकता है, या फिर जो सीड डिस्पर्सल की जो पैसे बात कर रहे थे वो भी हमारे यहाँ पे कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज डिस्पर्सल एबिलिटी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कैटल इग्रेट्स फीड इन पॉस्चर एंड फील्ड अमंग द कैटल वुज मूवमेंट स्टीर अप द इंसेक्ट प्रे फॉर द बर्ड दैट दिस क्रिएट मोर फूड फॉर द कैटल इग्रेट्स इन फ्यूअर स्टेप्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे कैटल इग्रेट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या करेंगे, कैटल्स के साथ साथ रहेंगे, और जैसे जो यहाँ पे कैटल्स होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रासेस के अंदर चलेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे देखो जो ये हमारे यहाँ पे कैटल्स थे वो यहाँ पे ग्रासेस के अंदर चल रहे थे, ठीक है, ग्राउंड्स के अंदर जब चल रहे थे, तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे ग्रासेस होंगे उनके अंदर मूवमेंट क्रिएट होगी, मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट होंगे ना वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, और जो ये इंसेक्ट यहाँ पे बाहर निकलेंगे ना उनको कौन खा जाएगा, जो यहाँ पे हमारे कैटल इग्रेट्स होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से जहाँ पे जो हमारे कैटल्स है उनको तो यहाँ पे देखो कोई बेनिफिट है नहीं, वो तो अपना फूड यहाँ पे ले रही थी, ठीक है, यूँ थोड़ी ना कि जो यहाँ पे इग्रेट्स है उनके यहाँ पे कोई हेल्प कर रहे हैं, कोई इसने यहाँ पे हेल्प नहीं की, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पे इसकी मूवमेंट होगी, उसकी मूवमेंट से यहाँ पे इंसेक्ट हमारे बाहर निकल रहे हैं, और उसकी मूवमेंट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्योंकि बाहर निकल रहे थे तो उससे यहाँ पे हमारे जो कैटल इग्रेट्स है उनको यहाँ पे फूड मिल जाएगा, क्लियर है। द इग्रेट बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन बट द कैटल्स आर अनफेक्टेड। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे कमर्शियलिज्म होते हैं ना, इसके यहाँ पे में डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये इसके यहाँ पे डिफरेंट टाइप ही यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर कमर्शियलिज्म के यहाँ पे में अलग अलग फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पीछे बात की थी ना कि जो हमारे यहाँ पे कमर्शियलिज्म है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है जिसको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट हमारे यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे जो कमर्शियलिज्म है उसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप या फिर हमारे डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है इंक्विलिज्म, तो इसके अंदर क्या होगा, इन दिस इंटरेक्शन वन स्पीसीज यूज ए सेकेंड स्पीसीज फॉर द हाउसिंग। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज को यहाँ पे क्या करेगी, उसके लिए शेल्टर यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है, हाउस यहाँ पे उसके लिए बना के रखेगी। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे ऑर्किड्स ग्रो इन फोक ऑफ द ट्रॉपिकल ट्रीज, सच प्लांट आर एपीफाइट्स विच इज यूज अदर प्लांट फॉर स्पोर्ट बट गेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मोस्ट एयर एंड द रन ऑफ द ट्री इज अनअफेक्टेड बट द ऑर्किड गेन द स्पोर्ट एंड इंक्रीज एक्सपोजर टू सनलाइट एंड द रेन्स, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे ऑर्किड्स होंगे वो क्या करते हैं, वो हमारे एक एपिफाइट की तरह काम करेंगे, और वो दूसरे प्लांट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होंगे, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, उससे फूड भी ले लेंगे, उससे शेल्टर भी ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने इक्विलिज्म की यहाँ पे बात की थी ना, तो इक्विलिज्म के अंदर क्या होता है कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को अपने हाउस के लिए यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। तो इसी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एपिफाइट थे, जो हमारे यहाँ पे ऑर्किड है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो दूसरा प्लांट है उसको अपने हाउस की तरह यहाँ पे यूज कर रहा है, और सिर्फ हाउस की तरह यूज नहीं कर रहा बल्कि उससे दूसरे बेनिफिट भी यहाँ पे वो ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, इंक्विलिज्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग की बात हुई थी तो हाउसिंग यहाँ पे तो हो रहा है, एबिलिटी तो यहाँ पे प्रोवाइड कर ही रहा है ना, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, इंक्विलिज्म के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होता है फोरेसी। फोरेसी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, इन दिस इंटरेक्शन द ऑर्गेनिज्म यूजेस इट्स सेकंड ऑर्गेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है वो किसके थ्रू मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पे फ्लावर इनहेबिटिंग माइट्स ट्रेवल बिटवीन द फ्लावर इन द नोस्ट्रिल ऑफ द हमिंग बर्ड। कुछ हमारे यहाँ पे जो फ्लावर के ऊपर कुछ हमारे यहाँ पे जो माइट्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्लावर हुआ, फ्लावर के ऊपर यहाँ पे क्या रहे थे, माइट्स यहाँ पे रह रहे थे, इनके ऊपर क्या आए, हमिंग बर्ड आए, वो अब क्या करेंगे, यहाँ से उन्होंने फूड लिया था, ठीक है, अब वो दूसरे यहाँ पे फ्लावर के ऊपर जाएंगे, तो जो माइट्स होते हैं ना वो क्या करती है, हमिंग बर्ड की नोस्ट्रिल्स होंगे ना वहाँ पे हमारे रह जाएंगे, ठीक है, उसके साथ अटैच हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पोलन्स वगैरह भी यहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं ना, सिमिलर हमारे यहाँ पे माइट्स भी क्या होंगे, जो हमारे यहाँ पे हमिंग बर्ड होंगे उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, फोरेसी के अंदर। थर्ड हमारे यहाँ पे होता है मेटाबायोसिस। मेटाबायोसिस के अंदर क्या होगा, इन दिस इंटरेक्शन एन ऑर्गेनिज्म यूजेस समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट यूजुअली आफ्टर इट्स डेथ। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट था और हमारे यहाँ पे जो सेकंड था, अब फर्स्ट ने यहाँ पे क्या किया, कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, और जब इसके यहाँ पे मजरली देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो जो यहाँ पे इसने फूड बनाया था ना उसको यहाँ पे कौन कर लेगा, जो हमारे यहाँ पे सेकंड यहाँ पे स्पीसीज होगी वो उसको यहाँ पे यूज कर लेता है, ठीक है। इसके जब ये जिंदा था यहाँ पे, ठीक है, लिविंग था, तब भी आप इसको यूज कर सकता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा कि जब इसकी डेथ हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल हर्मिट क्रैब यूज द स्नेल सेल फॉर द प्रोटेक्शन। जब यहाँ पे स्नेल्स की डेथ हो जाती है तो वो क्या करता है, स्नेल सेल्स को यहाँ पे अपने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे यूज करेंगे, कौन, हर्मिट क्रैब, ठीक है। बनाया तो किसने था, स्नेल ने अपने लिए बनाया था, लेकिन उसको यूज कौन कर रहा है, हर्मिट क्रैब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे किसके अंदर आएगा, मेटाबायोसिस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कमर्शियलिज्म के डिफरेंट टाइप हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे डिफरेंट एग्जाम्पल भी हमारे यहाँ पे होते हैं कमर्शियलिज्म के, जैसे कि एक यहाँ पे हमारा हुआ प्रोवाइडर, एक हमारे यहाँ पे जो बेनिफिट मिलने वाला है, और तीसरा हमारे यहाँ पे होता है बेनिफिशियरी।
तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोवाइडर है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे बेनिफिट को प्रोवाइड करवाएगा, बेनिफिट की वो क्या प्रोवाइड करवाएगा और बेनिफिशरी किसको वो प्रोवाइड करवाएगा। जैसे कि अगर हमें बात करते हैं पिक्चर प्लांट, उसने यहाँ पे क्या किया, मॉस्किटो को यहाँ पे हैबिटेट और वाटर फीचर्स, ठीक है, जो यहाँ पे हैबिटेट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मॉस्किटोज के लिए। जैसे कि सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं येलो ब्रीड सेपसकर, ये यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, ड्रिल्स होल्स टू कलेक्ट द सैप, और ये किस बेनिफिट किसको होगा, हमिंग बर्ड एंड अदर फीडर्स। उसके अलावा यहाँ पे हमारी जो शार्क होती है, फूड स्क्रैप और ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे हेल्प करेगी किसकी, रमोरा फिश के लिए, मराइन बोरोविंग वर्म्स, ये यहाँ पे क्या करते हैं, हैबिटेट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे क्रैब्स के लिए। कैटल्स यहाँ पे क्या करते हैं, स्टील अप द इंसेक्ट फूड, कैटल इग्रेट्स, ये अपने यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस किया ही था। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं ट्रीज, जो कि यहाँ पे हैबिटेट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ऑर्किड्स एंड अदर एपिफाइट्स के लिए। उसके अलावा जो वेल्स होती है वो यहाँ पे हैबिटेट प्रोवाइड करेंगे बर्नेकल्स के लिए। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, फिशेज की यहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ पे हेल्प ही कर रहा है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है सी एनिमल, ये यहाँ पे हमारे क्या करेगा, प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है क्लोन फिश के लिए, और जो सी अर्चिन होंगे वो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे किसको, क्लीन फिश के लिए। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इंसेक्ट, ये यहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे किसको, माइट्स और स्यूडो स्कॉर्पियंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल हो जाएंगे के लिए, आप इनको भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके बारे में अगर आप इस टॉपिक के बारे में, जो हमारे यहाँ पे म्यूचुअलिज्म या फिर जो हमारे यहाँ पे कमेंसलिज्म है, जो कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटेशन के अंदर आता है, तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप इस बुक के थ्रू, जो हमारे यहाँ पे इकोलॉजी ग्लोबल इंसाइट एंड इन्वेस्टिगेशन बाय पीटी स्टीलिंग, हमारे यहाँ पे जो बुक है, इसके थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हमारे यहाँ पे यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीएसआईआर नेट जेआरएफ गेट इकोलॉजी गेट लाइफ साइंस और डीबीटी बेट जेआरएफ से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।